हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। मैं आज अपना पहली बार यूट्यूब पर चैनल बनाया है, उसके लिए मैं ब्लॉगिंग स्टार्ट करने जा रही हूँ। लेकिन ब्लॉगिंग स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबको पहले अपने भगवान जी के, ठाकुर जी के दर्शन कराएं, क्योंकि पहले उनका आशीर्वाद बहुत ज़रूरी है। जे मेरे ठाकुर जी हैं, आप सभी लोग इनके दर्शन करो। अब मैं अपना पूरा इंट्रोडक्शन दूंगी। आने का एक रीज़न है, वो रीज़न ये है कि मैं पहले सबके ब्लॉग देखती थी। मैंने सोचा कि हम भी कुछ ऐसा करें जिससे अपना नाम कमा सके। लेकिन कोई बात नहीं, हम लोग मिडिल फैमिली क्लास से हैं, तो मिडिल क्लास के लोग क्या कर सकते, बाहर ज़्यादा लेडीज जा नहीं सकती, आ नहीं सकती। फिर मेरी अचानक से तबीयत खराब हो गई, जिसमें मेरी सीरियस स्थिति हो गई। तो फिर उसमें भी मेरा यही दिमाग में आता कि क्या करें क्या ना करें। फिर मेरे बच्चों ने मुझको इतना प्रोत्साहन दिया, इतना दिया कि माँ जी आप कुछ करना चाहती तो मैं आपको बताता हूँ कि आप ऐसा कर लो। जैसे सब लोग अपना ब्लॉग बनाते हैं, आप भी माँ जी घर बैठे ब्लॉग बना सकती, क्योंकि वो लोग भी अपना डेली की रूटीन दिखाते हैं, अपनी लाइफ दिखाते हैं, तो माँ जी आप भी दिखा सकती, जिससे कि आपको थोड़ा स्ट्रेस भी कम रहेगा और आप अपने काम में व्यस्त रहोगे और आपको भी मन लगेगा और आपको सब लोग जानेंगे। और बच्चों ने मुझे इतना प्रोत्साहन किया, इसलिए मैं ब्लॉगिंग के लिए तैयार हुई। हाँ, मैं कोई गांव से नहीं हूँ, मैं भी एक सिटी से ही हूँ, मैं सिटी में ही रहती हूँ, लेकिन मैं सिटी का नाम समय आने पर बताऊँगी, अभी तो नहीं। और इसमें मेरे हस्बैंड का भी सपोर्ट है और मेरे दो बच्चे हैं, सास ससुर भी हैं, ननंद भी है, मतलब मेरी पूरी फुल फैमिली है और सभी का सपोर्ट है मेरे साथ में। लेकिन मैं ये चाहती हूँ, जैसे आप मेरे को अपने दिल से मुझे प्यार दोगे और हमारा उत्साह बढ़ाओगे और मुझे भी अपनी एक फैमिली का हिस्सा बना लो, तो मैं आपकी बहुत शुक्रिया अदा करूँगी। मैं आपका बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी, क्योंकि और मुझसे कोई भी गलती हो जाए तो आप अपनी छोटी दीदी या छोटी बहन या बड़ी बहन समझ के उस गलती को माफ़ करना और उसमें और भी सुधारने की कोशिश करना। और जो आप बताते जाओगे जैसा जैसा, हम वैसा वैसा करते जाएंगे। और क्योंकि अभी हम YouTube पे नए आए हैं, अभी मुझे इसकी कोई नॉलेज नहीं है, और हाँ, इसमें मेरे बच्चे भी मेरी हेल्प करेंगे, क्योंकि मुझे अभी इसमें कुछ आता नहीं है। और एडिटिंग वगैरह जो भी कुछ है बच्चों, क्योंकि बच्चों का माइंड के जो होता है, बच्चे इतना जानते हैं, बच्चे मुझे सब कुछ बता देंगे धीरे धीरे। और हाँ, मैं जितना भी हो सकेगा उतना मैं आपको अच्छा ही दिखाऊंगी और मैं अपने रियल लाइफ दिखाऊंगी, बिल्कुल कोई उसमें दिखावा नहीं दिखाऊंगी, कुछ भी नहीं। जो मैं घर में जैसा मेरा रूटीन है वही मैं सब कुछ आपके साथ में शेयर करूँगी, और जैसा भी होगा वैसा मैं दिखाऊँगी और देखती हूँ आगे मैं कैसा करती हूँ। इसलिए आप लोग बस मुझ पर अपना प्यार बनाए रखना और अपना आशीर्वाद देना, और बस। और मैं इससे ज़्यादा क्या कहूँ, और बस आज की वीडियो में इतना ही काफ़ी है।